नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सिमरन सिंह आपका स्वागत करती हूँ रेडियो जंक्शन नो मोर टेंशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मशहूर गीतकार इंदिवर मजरू जी के बारे में। दोस्तों, हमारे जीवन में गीत संगीत का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। एक सुंदर सा गीत हमारे मन के तनाव को कम कर देता है और एक प्यारा सा गीत हमारे भावनाओं को व्यक्त करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आज चर्चा करने वाले हैं गीतकार इंदिवर मजरू जी के बारे में, तो सुनते हैं उन्हीं का लिखा हुआ प्यारा सा सुंदर सा गीत मुकेश जी की आवाज में फिल्म सरस्वती चंद्र से। हम चर्चा कर रहे थे मशहूर गीतकार इंदिवर मजरू जी के जीवन से जुड़ी बातों को लेकर। तो दोस्तों, जनता की भाषा में जनता के लिए गीत लिखने वाले कवि और गीतकार इंदिवर जी और नीरज जी एक ही साथ एक ही पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। इंदिवर जी ने अंग्रेजों को ललकारते हुए गीत लिखे, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से देश के स्वतंत्रता के बाद उन्हें स्वाधीनता सेनानी का दर्जा मिलने में 2 दशक लग गए। इसके अलावा फिल्मों में उन्होंने प्रेम से लेकर वीरह तक सभी विधा के गीत लिखे। दोस्तों, बात जब वीरह की आती है तो हमारे जीवन में हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी वीरह और वेदना से गुजर चुका होता है। एक दर्द सा वीरह की बातें करते एक दर्द सा हमारे हृदय में होता है। तो दोस्तों, चलो सुनते हैं एक वीरह भरा गीत जिसे लिखा है इंदिवर जी ने और आवाज दी है गायक किशोर कुमार जी ने। Hmm.
सा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। है प्यास बड़ी जीवन थोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। कहते हैं ये दुनिया के रास्ते कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते, कहते हैं ये दुनिया के रास्ते कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते। नाकामियों से नाता मेरा जोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। सूरज फिर से निकले रहता नहीं है अंधेरा, मेरा सूरज ऐसा रूठा देखा न मैंने सवेरा। उजालों ने साथ मेरा छोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। मुझे यकीन है आपको ये गीत बहुत ही अच्छा लगा होगा, इस गीत को सुन के आपने बहुत अच्छा महसूस किया होगा। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे मशहूर गायक गीतकार इंदिवर जी के बारे में। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी, इंदिवर जी का असली नाम श्यामलाल बाबू राय था। उनका जन्म 15 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश की 86 से 20 किलोमीटर दूर बरवा कस्बे में हुआ था।
गरीब परिवार में पैदा हुए इंदिवर के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। बहनों इन्हें अपने साथ ले गए, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा और वापस अपने गांव बरवा आ गए। खाने पीने की किल्लतों और प्रबंधों के बीच इनकी घनिष्ठता एक फकीर से हो गई। पेड़ के नीचे धुनी रमाने वाला वह बाबा खुद ही लिखता और गाता भी था। उसके गीत सुनकर लोग पैसे दान कर जाते। उन पैसों को वह स्वयं कभी हाथ नहीं लगाता था। इंदिवर उन पैसों से बाबा के लिए सारे प्रबंध करते और खाना भी बनाते। वहीं से उन्हें भी गीत लिखने का शौक हुआ। श्यामलाल बाबूराय अब श्यामलाल आजाद के नाम से गीत लिखने लगे। किसी मसीहा या गॉडफादर की तरह उनके जीवन में राम सेवक रिछारिया आए। उन्होंने ना सिर्फ उनकी कविताएं संपादित की, बल्कि उन्हें कवि सम्मेलनों से भी परिचित करवाया। जल्द ही कवि इंदिवर आसपास के तमाम क्षेत्रों में प्रसिद्ध होने लगे। ठीक ठाक आमदनी भी होने लगी। इस परिस्थिति में बिना मर्जी के शादी करवाई गई तो मुंबई भाग गए। जब असफलता हाथ लगी तो वापस घर लौट गए। और इसी बीच गृहस्थी में सब ठीक होना शुरू हुआ, लेकिन इंदिवर जी के भाग्य में मुंबई की सफलता लिखी ही थी। इसलिए किस्मत ने वापस बुलाया तो वह बी और सी ग्रेड फिल्मों में लिखने लगे। इसके बाद 1951 में आई फिल्म मल्लार के गीतों से उन्होंने सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गीत संगीत की दुनिया से मशहूर गीतकार इंदिवर जी के बारे में। तो हम जब मल्लार फिल्म की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा ही प्यार सा गीत था। कहीं ना कहीं हमारी दादी, मम्मी या हमने भी कभी ना कभी वो गीत ज़रूर गुनगुनाया होगा। तो चलो सुनते हैं उस गीत को जिसे लिखा है इंदिवर जी ने और आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हम तो जमाने के सितम, वो जमाने के सितम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। निगाहों से कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी पसम, वो बलम तेरी पसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तेरी दो आँखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहाँ, इन्हीं में खो गया दिल मेरा कहो ढूंढू कहाँ। इन्हीं में खो गया दिल मेरा कहो ढूंढू कहाँ। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत ना हो कम, वो मोहब्बत ना हो कम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी पसम, वो बलम तेरी पसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं, मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं। मेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं,
तेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं। तेरे होते हुए क्यों हो मुझे तूफान का गम, मुझे तूफान का गम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर है इंदिवर जी के बारे में जानकारियां लेके, और मुझे पूरा पक्का यकीन है कि आपने ये मस्ती भरा गीत सुनकर बहुत ही आप मस्ती कर रहे होंगे, आपको मन को एक सुखद अनुभव प्राप्त हुआ होगा। दोस्तों इंदिवर जी ने एक से बढ़कर एक गीत सिनेमा को देना शुरू कर दिया, जिसमें अमानुष के गीत दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। संगीतकार आनंद जी और कल्याण जी को याद करते हुए एक इंटरव्यू में इंदिवर बताते हैं कि कल्याण जी उन्हें रात को 2 बजे घर छोड़ते थे और 100 रुपया दिया करते थे, जिनमें सिर्फ 90 रुपये की किताब खरीदते थे और 10 रुपये अपने लिए बचाते थे। कल्याण जी ने ही उन्हें फिल्म सरस्वती चंद्र दिलवाई, जिसका गीत बहुत मशहूर हुआ था। दोस्तों किसी प्रेमी आशिक के लिए अपनी प्रेमिका को उपाय देने के लिए ये गीत पर्याप्त है। एक मस्ती भरा तन मन में एक अजीब सा सनसनाहट भर देने वाला ये गीत बहुत ही अपने ज़माने में मशहूर हुआ था और ये आज भी लोगों की जुबान पर सुना जाता है। इसी फिल्म का एक और गीत था छोड़ दे सारी दुनिया तेरे लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, जिसमें कल्याण जी ने कहा कि मुनासिब शब्द को बदला जाए, जिसकी जगह हिंदी का कोई शब्द लाया जाए। इस पर इंदिवर जी ने कहा कि इसकी जगह उचित उपयुक्त या ठीक नहीं लगाया जा सकता। बड़ी मुश्किल से कल्याण जी माने और वो गाना रिकॉर्ड हो सका। इसके बाद जब भी वो गाना बजता उसके लिए कल्याण जी इंदिवर को 100 रुपये देते। चलो दोस्तों तो सुनते हैं, जिसके लिए कल्याण जी इंदिवर जी को 100 रुपये देते उस गाने को, जिसे गाया है लता जी ने अपनी प्यारी सी आवाज में।
दोस्तों मैं सिमरन सिंह फिर एक बार हाजिर हूँ। हम चर्चा कर रहे थे मशहूर गीतकार इंदिवर जी की जीवन से जुड़ी जानकारियाँ लेके फिर हाजिर हूँ मैं एक बार। तो दोस्तों मुझे लगता है आपने जो ये गाना सुना वो आपने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ऊर्जा को भर दिया होगा और आप एक पॉजिटिविटी महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों फिल्म मल्लार में एक गीत था बड़े अरमानों से, जैसा कि मैं इस हम ये गीत को पहले सुन सके, बड़े अरमानों से रखा है सनम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। इसी लाइन में एक लाइन थी, मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं, तेरा अचल हो तो पतवार की भी दरकार नहीं। इसे इंदिवर जी ने पतवार की दरकार लिखा था और हिंदी के हिसाब से पतवार की दरकार नहीं। इस पर कल्याण जी ने उन्हें अलग से बुलाया और कहा की जगह भी कर दिया जाए। इस पर इंदिवर जी ने भरत व्यास के एक गीत का उदाहरण दिया कि जिंदगी भी एक मोटर कार है, उसको भी एक ड्राइवर की दरकार है। तब कल्याण जी ने बताया कि दरकार का मतलब है चाहिए, इसलिए यहाँ भी कर देना चाहिए। इसके बाद इंदिवर जी ने उर्दू फारसी अरबी पढ़नी शुरू कर दी और वह जुबान को लेकर संजीदा हो गए। इंदिवर जी का कहना था कि कामयाबी के लिए हमें जनता की जुबान तक जाना है। जनता की जुबान मिली जुली हिंदी है और उसमें उर्दू भी है। इंदिवर जी ने हिंदी को केंद्र में रखकर कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे और चंदन सा बदन जैसे गीत लिखे जो बहुत लोकप्रिय हुए। इंदिवर जी ने 27 फरवरी 1957 को इस दुनिया से विदा ली। दोस्तों उनके बहुत सारे गीत जो हम अक्सर जीवन में सुनते हैं और उसको हम एहसास करते हैं, इनमें से एक गीत था दुश्मन ना करे दोस्त ने ये काम किया है। फिल्म आखरे क्यों से और इसे आवाज़ दी है अमित कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, फिर भी उसे थाम दिया है। उम्र भर का गम
दुश्मन न करे ओ दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको हम अगर कभी किसी हमारा कोई दोस्त मनमुटाव हो जाता है या कुछ ऐसा लगता है कि वो हमसे बेवफाई कर गया, तो हम अक्सर इस गीत का इस्तेमाल अभी भी आज के समय में भी करते हैं। तो बताइए, एक शख्स, एक जो इंसान होता है जो लिखता है, उसके जो विचार हैं, उसके जो गीत हैं, उससे हम आज भी कहीं ना कहीं प्रभावित हों, तो बताइए उस शख्स की शख्सियत कैसी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगी और एक बार फिर हाजिर होंगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ भाग्य, नमस्कार। लाइफ में हो जो रेडी।